नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे तत्काल न्यूज लाइव। हरियाणा के गुरुग्राम के बिनोला गांव में शनिवार तड़के एक ऑटो पॉट बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। एक अधिकारी ने बताया कि सूचना मिलने के बाद एक दर्जन से अधिक दमकल वाहनों को आग बुझाने के काम में लगाया गया है। हालांकि अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। बताया जा रहा है कि आग सुबह करीब 4:30 बजे लगी। अधिकारियों के मुताबिक आईएमटी मानसेर सेक्टर 37, सेक्टर 29 और भीमनगर स्टेशनों में दमकल की गाड़ियों को औद्योगिक क्षेत्र में भेजा गया। साथ ही पुलिस की एक टीम भी मौके पर पहुंच गई। दमकल अधिकारी राजवीर सिंह ने कहा, हमारी टीम काम में जुटी हुई है और हमें उम्मीद है कि जल्द ही आग पर काबू पा लिया जाएगा। आग की लपटें काफी ऊंचाई तक उठी देखी जा सकती थी, साथ ही आसमान में काला धुआं छा गया था। अभी तक आग लगने के कारणों के बारे में पता नहीं चल सका है। इसके साथ ही करीब 24 दमकल कर्मी आग बुझाने में जुट गए हैं। अभी तक आग के कारण किसी की भी हताहत नहीं हुई है।